जय हिंद दोस्तों, ये न्यूज जो कि चोर को पकड़ने का तरीका किस कदर चोरों को पकड़ा गया आप देखिए। सीसीटीवी में कैद हो रहा था, ये चोरी का फिराक में था ये है, और इसके साथ ही भी दो तीन है जो कि ये लोग चोरी का प्लान बना रहे थे, दिन को ही कहीं डाका डालने वाला था, और सीसीटीवी की मदद से पुलिस को सूचना मिला और पता चल गया कि यहाँ पे ये लोग कुछ करने वाला है। उसी दौरान पुलिस पहुंचकर फिल्मी अंदाज में इनको पकड़ने की साजिश रच डाला। और फिर क्या हुआ, जैसे ये लोग को नज़र रखने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पे चारों साइड से खड़ा हो गए, और इसको देखते हुए एक इसका साथी साइड से आता है, और साइड से आने के बाद उसको देखता है, फिर ये दोनों बात करते रहता है। बात करते हुए एक ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी जा रहा है, इसके बाद देखिए अभी वो क्या कर रहा है, देखते रहिए। और फ़ोन कंटिन्यू उसका चालू है। उसके बाद वो अपना साथी से बात किया, बात करने के बाद पुलिस भी अभी पहुंचने वाला ही है, पुलिस को पता चल चुका है सीसीटीवी की मदद से, पुलिस वहाँ पे पहुंचने वाला है बाइक से। बेखौफ अपराधी को पता नहीं है कि यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, और हर क्षेत्र में इसी लिए बोला जाता है कि सीसीटीवी लगाया जाए, ताकि कहीं भी कोई भी घटना होता है तो तुरंत खबर मिल जाता है। पुलिस आ गया, देखिए ये पुलिस के पीछे भागने की कोशिश, और ये पकड़ा गया, और ये भी इसको भी मतलब मौत आ गया था, मतलब नहीं कहते कि कुत्ता को जब मौत आता है तो रोड पे आता है। पुलिस का गाड़ी देखा, फिर भी वो आदमी बाइक लेकर के उसी के पीछे भागा, और भागते हुए पकड़ा गया, और देखिए दोनों का दोनों पकड़ा गया है, बुरी तरह से पकड़ लिया गया है, और इसको अभी ले जाया जाएगा। आप लोग सोचते होंगे वीडियो कहाँ का है, और कहाँ का है पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस नहीं किया गया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग इसको शेयर कर रहे थे, तो मैं सोचा आप लोग के बीच में भी इसको परोसा जाए। और बहुत ही सरल तरीके से पकड़ा गया है, और बहुत ही अच्छा फिल्मी अंदाज में सभी को पकड़ लिया गया है और पकड़ के रखा है। अब देख सकते हैं सीसीटीवी, इसीलिए बोलते हैं कि सभी लोग लगाइए, और हर क्षेत्र में सीसीटीवी लगना चाहिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, और हमेशा चोर उचक्का जो भी है बदमाश सभी को पकड़ने का काम किया जाए। जय हिंद जय भारत, और इनको दिल से सैल्यूट है। इंडिया तक राजदेवी न्यूज़ देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।